मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। एक्चुअली फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज आती है वो सारी फिजिकल है। पता है क्यों? क्योंकि जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो और जिसको आप नंबर में लिख सकते हो तो वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी के लिए जरूरी क्या है? उसका मेजरमेंट होना और उसको नंबर में लिखा जाना। तो यदि फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? उसके मैग्नीट्यूड के साथ और उसके साथ उसके यूनिट को, तो उसे कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल क्या है? लाइक मैं बोलता हूं 10 मीटर 1 किलोग्राम। 10 मीटर 1 किलोग्राम क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि 10 क्या है? एक्चुअली 10 क्या है? नंबर। ओके, माय और लाइक 10 मीटर 10 क्या है? नंबर। मीटर क्या है? उसका यूनिट। मैं बोलता हूँ 1 किलोग्राम, तो 1 क्या है? नंबर। और किलोग्राम क्या है? यूनिट। मतलब जिस क्वांटिटी को आप नंबर में और यूनिट में लिख सको तो उसे कहोगे फिजिकल क्वांटिटी। जो हैप्पीनेस है, सॉरो है, इसे नहीं कह सकते कि हम ये फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस है, मैं बहुत खुश हूं, मैं कहता हूं आज मैं बहुत खुश हूं, पर कितना खुश हूं ये नहीं बता सकते। आप मेजर कैसे करोगे? है ना? क्या मेजर कर सकते मैं कितना खुश हूं? नहीं कर सकते। तो फिर वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। और दूसरी बात, यदि मैं लिखता हूं 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 1 क्या है? नंबर। किलोग्राम क्या है? यूनिट। 1000 क्या है? नंबर। ग्राम क्या है? यूनिट। देखो ये नंबर डिफरेंट है ना, n1 n2 कितना? 1000। किलोग्राम यूनिट को u1 बोलते हैं, बोल रहे हैं हम, और ग्राम क्या होगा? u2। पर ये ओके है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, तभी दोनों में इक्वल साइन आया, n1 u1 equals to n2 u2। तो यदि n2 बड़ा है n1 से, है ना, n2 ज्यादा है ना n1 से, तो डेफिनेटली जो उसके साथ यूनिट होगा वो छोटा होगा। जितना नंबर बढ़ता जाएगा यूनिट स्मॉलर होता जाएगा। ठीक है, तो ये 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम क्या था? ये था मास। और मास को क्या बोल रहे हैं? क्यों? क्यों कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये मास है। ओके, और फिजिकल क्वांटिटी से कितनी टाइप्स हैं? रेशियो में हो सकती है, स्केलर हो सकती है, वेक्टर हो सकती है, डिमेंशनल हो सकती है, डिमेंशन लेस हो सकती है। तो पहले बात करेंगे रेशियो की। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती जो रेशियो में मिलती है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी आपको किस में मिलेगी? रेशियो में। और ये किसका रेशियो है? ये डेंसिटी ऑफ द किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, और डिनोमिनेटर में क्या आता है? वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। और जब भी आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हो ना, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हमेशा डिवाइड किया जाएगा पानी की डेंसिटी से। और पानी की डेंसिटी क्योंकि बदलती है टेम्परेचर के साथ, तो हमने किस टेम्परेचर पे ली है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये याद रखना। और ये रिलेटिव डेंसिटी जो होगी, रिलेटिव डेंसिटी होगी, ये डेंसिटी न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो एक्चुअली डेंसिटी और डेंसिटी के यूनिट कट जाएंगे और रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ नंबर में आपको मिलेगी। तो रेशियो जितनी भी होंगी ना सिमिलर क्वांटिटीज की, उसके जो यूनिट होंगे वो यूनिट नहीं होंगे उनके, वो सिर्फ नंबर में ही लिखी जाएंगी बस। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी जस्ट नंबर में मिलेगा आपको। स्ट्रेन की वैल्यू भी नंबर में मिलेगी, क्योंकि ये सारे रेशियो है। एंगल क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है। तो
यस इनको कहते हैं रेशियो। आगे आते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो, जैसे लेंथ है कोई डायरेक्शन नहीं, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं, इनकी सिर्फ वैल्यूज है। वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है साथ में डायरेक्शन भी होती है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को मिलके बनते हैं वेक्टर। तो आप वेक्टर क्वांटिटी कोई भी कह सकते हो, वेलोसिटी कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, एक्सेलरेशन कह सकते हो, ये सबके सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। और ये भी फिजिकल क्वांटिटी में ही आती है। अब डायमेंशनल क्वांटिटीज होती है, वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस होंगे। ओके, तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैं सो हैविंग डायमेंशन, जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है इन मैग्नीट्यूड? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट का ये किसको लिखेंगे, एल में, एल अपॉन टी, तो मास तो है नहीं ना, तो एम की पावर जीरो, तो लेंथ एल की पावर वन, टाइम डिनोमिनेटर में है ना, तो टी की पावर माइनस वन। तो वेलोसिटी लेंथ और टाइम से बनी हुई है। वेलोसिटी लेंथ हम कहेंगे वेलोसिटी क्या है, वन डायमेंशन इन लेंथ माइनस वन डायमेंशन इन टाइम। तो ये डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी होगी वेलोसिटी। अब हम आते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके कोई डायमेंशन नहीं होते। जैसे स्ट्रेन है, स्ट्रेन के न्यूमरेटर में क्या आएगा, चेंज इन डायमेंशन, लाइक चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन द ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब जो नेचर न्यूमरेटर की होगी वही नेचर ना डिनोमिनेटर की होगी, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो उसमें कोई डायमेंशन तो नंबर में आएगा ना, स्ट्रेन फिजिकल क्वांटिटी होगी नंबर में, बस यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा। इसको कहेंगे जीरो डायमेंशन इन मास, जीरो इन लेंथ, जीरो इन टाइम। ऐसी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, वो वेलोसिटीज की रेशियो होती है। पर एक बार ध्यान रखना, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ना स्केलर है ना वेक्टर्स है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो वो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है। आपको कि ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली एक्सेस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, बट सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता। लाइक कोई चीज ऐसे ऑर्बिट कर रही है, ये बॉडी है, एंड इट इज ऑर्बिटिंग एंटी क्लॉकवाइज। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सेस है, इसके अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना। अब मैं इसका, इसी बॉडी का सेंस ऑफ रोटेशन बदल देता हूं क्लॉकवाइज, और इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, सेम, जितनी यहां उतनी वहां होगी। एक्सिस पे डिपेंड करती है बट सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है ना, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन पे उसने डिपेंड नहीं किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ वेक्टर। तो वेक्टर क्यों नहीं है ये? क्योंकि बाय चेंजिंग द सेंस ऑफ रोटेशन इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ना सॉरी, बाय चेंजिंग द सेंस ऑफ डायरेक्शन इसकी वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे मैं अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा था, पर ये स्केलर भी नहीं है। पता क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है और एक्सिस को बदलने से बदल जाता है, तो स्केलर भी नहीं हुई है क्योंकि एक्सिस डिपेंडेंट है। तो इसको एक नया नाम देंगे, टेंसर। तो ये क्वांटिटी होगी टेंसर।
टेंसर क्या है, समझ गया, थैंक यू। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो बिल्कुल बेसिक हो और जिन क्वांटिटीज को किसी और क्वांटिटीज की हेल्प से बनाया ना जा सके, और ये गिनती में बहुत कम है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और इसको किसी भी और किसी क्वांटिटी से आप बना नहीं सकते एंड डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ, ये अपने आप में है, इनको किसी और की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता। तो इनको कहते हैं फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। तो मैकेनिक्स में सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज तीन है, लेंथ, मास और टाइम। ड्राइवर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बना सको, कैसे, उनको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, और दे आर डिराइव्ड, या आप उनको बना सकते हो मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से, किसकी, हाँ मल्टीप्लाई और डिवीजन जो होगी डिफरेंट पावर से होगी, किसकी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो उसे कहेंगे ड्राइव्ड। तो वेलोसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये लेंथ से, लेंथ और टाइम से बनी है, लेंथ और टाइम क्या, फंडामेंट। तो वेलोसिटी क्या होगी, ड्राइव्ड, इसको ड्राइव किया गया लेंथ टाइम से। एक्सेलरेशन को भी ड्राइव किया गया लेंथ और टाइम से। तो एक्सेलरेशन क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। आप फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं, जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी के होंगे एक्चुअली, उन यूनिट्स को आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट आप चूज करोगे वही तो फंडामेंटल यूनिट होंगे, ओके। या आप उनको एब्सोल्यूट यूनिट कह सकते हो या बेस यूनिट कह सकते हो। और फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ दो, बाकी सब यूनिट्स क्या होंगी, वो होंगी ड्राइव यूनिट्स, क्योंकि उनको फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाया जाएगा। जैसे अब लाइट ईयर किलोमीटर क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, पर सेकेंड माइनस वन मीटर स्क्वायर किलोग्राम अपॉन मीटर क्या है, ये सारे डिराइव्ड है। याद रखना, फंडामेंटल यूनिट्स की जब भी पावर आ जाएगी, सेकेंड अदरवाइज फंडामेंटल यूनिट है, बट इसमें पावर का पावर आ गया, जब भी पावर के साथ आएगा कोई भी फंडामेंटल यूनिट, तो वो भी ड्राइव्ड हो जाएगा, ओके। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, जो हम चूज करते हैं मेजरमेंट्स के लिए, सीजीएस चूज करते हैं, ये एक सेट है, इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। इस सेट में फिक्स है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, आप बदल नहीं सकते इनको, ये एक फिक्स सिस्टम है और ये ऐसे ही रहना है, इसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। एमकेएस भी एक सिस्टम है, इसका एक नाम है जिसको आपने याद रखना है, ये नाम, इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ये सिस्टम में भी फिक्स है, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड। एफपीएस भी एक सिस्टम है, फुट पाउंड इन सेकेंड्स, आप इनको बदल नहीं सकते किसको। एसआई सिस्टम ही एक बिगर सिस्टम है, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आजकल यही सिस्टम को हम यूज करते हैं, और ये सिर्फ सारे फिजिक्स के लिए है, मैकेनिक्स के लिए नहीं है सिर्फ। देखो ध्यान देना, सीजीएस सिर्फ मैकेनिक्स के लिए है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस सिर्फ मैकेनिक्स के लिए, फुट पाउंड सेकेंड्स मैकेनिक्स के लिए, पर ऐसे सिस्टम सिर्फ मैकेनिक्स के लिए नहीं है, मैकेनिक्स के लिए भी है, पर ये सारी फिजिक्स के लिए। पता है क्यों, क्योंकि इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज को और फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐड किया गया, और टोटल सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज इसमें इन्वॉल्व हुई हुई हैं, और दो इसमें दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो लेंथ को देखो स्मॉल एम में लिखना, मीटर को, किलोग्राम को स्मॉल केजी के साथ, सेकेंड को स्मॉल एस के साथ, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होता है ना, कैपिटल ए के साथ, टेम्परेचर को कैपिटल के साथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल के साथ, एम ओ एल,
और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला के साथ सीडी। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, सिर्फ दो, एक तो प्लेन एंगल है, एक सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल क्या होगा, रेडियन। प्लेन एंगल मतलब टू डायमेंशन में, और स्टेडियन क्या होगा, सॉलिड एंगल, और ये किस में होगा, थ्री डायमेंशन में। ये प्लेन एंगल है ऊपर वाला, ये सॉलिड एंगल है जिसको डी ओमेगा लिख रहे हैं, बस। ओके हाँ जी, योर गुड नेम इज अमितोष सिंह। अमितोष, अमितोष, यू टेल मी, व्हाट्स द मीन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? Physical quantities, the quantities which help us in measuring the physics, measuring the laws of physics. No, no. Whenever anybody asks you what's a physical quantity, you just give answer in one line. Any quantity which can be measured and which can be expressed in numbers. Thus it is. Okay? Which can be measured and which can be expressed in numbers, as it is. Now, physical quantity is classified into the two classes. What are those classes? There are two types of physical quantities, fundamental quantities and derived quantities. What we mean by fundamental quantity? Fundamental quantities are those quantities which are the basic quantities of physics, or we can say which do not have any simpler form. Oh, that's good. Not having any simpler form, but they are very basic. And can you give any example of fundamental quantity in mechanics? Yes, there are like length, mass and time. Time, sure. You tell me, what's the mean of the derived quantities? The quantities which are derived from the fundamental quantities. Which can be derived from the fundamental quantities, like for example, temperature. Temperature is not derived quantities. How you can derive the temperature from any other? Temperature is itself, it is a fundamental. Velocity. Velocity is derived, and it is derived from? Speed and time. No. Velocity can be derived from displacement and time, by definition. Velocity is displacement over time. Okay? Remember, temperature is not fundamental. You tell any other example of the derived quantity? Like acceleration. Acceleration. Acceleration is derived from? It is derived from velocity and time, and velocity is in turn derived from length and time, distance and time. So that's why acceleration is also a derived quantity. Will you tell me something about the system of units? System. What are the different system of units? Number one? There are different system of units like... Number one, CGS. CGS. Number two? MKS. MKS. Number three? FPS. FPS. Number four? Number four? SI. SI units. SI system of units. What do you mean by CGS? CGS, it stands for centimeter, gram and second. Seconds. MKS? Meters, kilometers. Oh yeah. Meter, kilogram and seconds. Not meter, kilogram and seconds. FPS? Foot, pounds and seconds. SI? Standard. What the SI contains? SI is international system of units, and it contains, tell me, it contains all the fundamental units.